नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 12 से लेके 18 अक्टूबर तक की होगी ये रीडिंग। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी दिन किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और एनर्जी भी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। एरीज यानी मेष राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, फिर आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स ही क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं, एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। एरीज की पर्सन की करंट फीलिंग्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून को अगर हम क्लैरिफाई करेंगे तो सेवन ऑफ सोर्ड्स, बापरे, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, कैसे कैसे कार्ड आ गए। देख लेते हैं एरीज आपके करंट फीलिंग्स क्या हैं, फिर हम बताते हैं कार्ड का मामला क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ये सब क्या कार्ड आ गया भाई, कितना अच्छा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। एरीज यानी मेष राशि आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि आपकी खुद की करंट फीलिंग्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, मूव ऑन किया है आपने या फिर कर चुके हो या करना चाहते हो, देख लेते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम क्लैरिफाई करेंगे तो क्या आता है देख लेने दें। सॉरी, फाइव ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम क्लैरिफाई करें, फाइव ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे क्या आता है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम क्लैरिफाई करें, मामला गड़बड़ 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 है, परेशान हो आप। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक में देखो पेशेंस रखना पड़ेगा। अब मैं बता रही हूँ आपके पर्सन की तरफ से आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। जब हम व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड निकाले हैं तब आता है सेवन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, और आपकी तरफ से ये कार्ड आया है करंट फीलिंग्स में करंट फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को जब हम क्लैरिफाई करने लगे तब आया है क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। अब स्टोरी ये है कि आपके जो पर्सन है उनको लगता है कि वक्त बदलना चाहिए उनके लिए, वो वक्त बदलने का इंतज़ार कर रहा है। उनको ये लग रहा है कि आपने उनसे कुछ बातें छुपाई, आपने उनसे झूठ कहा, आपने उनको परेशान किया, आपने उनको बहुत सारा परेशानी दिया है। जो परेशानी से वो अकेले जूझ रहे हैं उसमें आपने उनका कोई हेल्प नहीं किया, और ऐसा है कि इतना परेशानी, इतना शक, इतना झूठ जो आपने उनसे कहा था
जिसके चलते वो परेशान हो गए हैं। वो उस बात से खुद को बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ है। अब धीरे धीरे जब वो खुद को इस परेशानी से निकालने की कोशिश कर रहा है, तब उनको ये पता चला कि जब तक ये सारा बोझ जो आपने उन पर डाला है ये कहीं रिलीज ना हो जाए, जब तक ये पुरानी बातों को वो अपने दिल से भूल ना पाएंगे, तब तक उनके लिए परेशानी रहेगा। इसीलिए करंटली वो अपने लिए बग बदलने का और इंसाफ होने का इंतज़ार कर रहा है। उनको लग रहा है कि उनके साथ ना इंसाफ हुआ है, उनसे झूठ कहा गया, उनको परेशान किया गया, उनको उनके ऊपर बहुत सारा बर्डन छोड़ दिया गया जो वो अकेला उठा भी नहीं पा रहा है, इतना परेशानी उनके दिमाग में आपने डाला हुआ है। और आपका जो करंट फीलिंग्स है, आप रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो सकता है आप उनके ज़िंदगी में से चले जाना, या फिर वो आपके लाइफ से ये जो डिस्टेंस मेंटेन करने वाला स्थिति आ गया है, वाइस वर्सा हो सकता है, ये आपने किया या फिर उन्होंने किया, जो भी किया एक फिनेंशियल लॉस के कारण आप लोगों ने किया, या फिर जो भी जिसके लाइफ से मूव ऑन किया है या करने के बारे में सोच रहा है, ये बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉस हो सकता है। कोई एक है जो हर परिस्थिति को झेलने के बाद चुपचाप रह रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। उनको लगता है जब भी मैं बात करने जाता हूँ या जाती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इससे अच्छा है मैं अपना मुंह बंद रखूँ, मैं चुपचाप रहूँ, मैं कुछ नए करने के बारे में सोचूँ, अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचूँ। जो फिनेंशियल लॉस हुआ है, अगर मैं उसको रिकवर कर पाती हूँ तो ज़रूर करूँगा, अगर नहीं पाता हूँ तो छोड़ देना है, मुझे अपने तरीके से नया कुछ करके आगे बढ़ना है। जो हो गया उसके बारे में सोच के रोज़ रोज़ परेशान नहीं होना है, ना ही मेंटल कन्फ्लिक्ट के कारण लड़ाई झगड़े में रोज़ रोज़ आना है। इससे अच्छा है कि मैं मूव ऑन कर जाऊं और अपने लिए स्टेबिलिटी ढूंढूं और चुप हो जाऊं, क्योंकि बोलने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जितना मैं बोल रही हूं या बोलने की कोशिश कर रही हूं, परेशानी उतना ही बढ़ रहा है। ये एरीज आपकी तरफ से ये फीलिंग्स है, ये जो करंट फीलिंग्स है, कुछ भी ये रीडिंग जो मैं उनके लिए बोल रही हूँ ये आपके साथ मैच कर सकता है, और जो आपके लिए बोल रही हूँ ये उनके लिए मैच कर सकता है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। अभी देख लेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन चाहते क्या हैं, एरीज के पर्सन क्या चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए। एरीज के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन क्या चाहते हैं, एरीज के पर्सन क्या चाहते हैं, एरीज यानी मेष राशि। फोर ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा आपके पर्सन तो स्टेबिलिटी चाहता है, रिश्ते में स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में आना चाहता है, घर परिवार बच्चा सोलमेट वाला कनेक्शन महसूस करता है, लेकिन सबसे पहले ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहता है। इनको लगता है आपके साथ इनका जो रिश्ता है ये सोलमेट वाला रिश्ता है, लेकिन ये रिश्ता तभी फुलफिल होगा जब उनके पास फिनेंस का कोई कमी नहीं होगा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी होगा, परेशानी नहीं होगी तब। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं, फोर ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। द हायरोफंट, टू ऑफ सोर्ड्स, अच्छा डेथ के कार्ड। हो सकता है आप लोगों का जो रिश्ता है वो वेरी रिसेंटली कोई एक मेजर सर्कल को ख़त्म किया है, रिश्ते में जो परेशानी था उसको ख़त्म किया है आपने, जैसा कि कार्ड बता रहा है कोई एक मूव ऑन कर गया रिश्ते से, या फिर इस रिश्ते का जो पेनफुल सर्कल था वो ख़त्म होने जा रहा है या फिर हो चुका है। ये चाहते हैं ये पर्सन कि वो जो पेनफुल सर्कल है वो ख़त्म हो जाए। ये इंसान दुविधा में है, कंफ्यूज है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये समझ नहीं पा रहा है, इसीलिए ये अभी भगवान के शरण में जा रहा है, गॉड से मदद मांग रहा है
कि भगवान उनको मदद कर दे, सही दिशा दिखा दे, उनको क्या करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, क्योंकि कोई एक है रिश्ते से मूव ऑन किया हुआ है जिसके कारण फिनेंशियल लॉस भी हुआ है, जिसको लगता है कि रिश्ते से मूव ऑन करने के बाद उनके लाइफ में एक परेशानी आया है और अभी फिर से वो इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में आना चाहते हैं लेकिन स्टेबिलिटी के साथ। इसलिए ये बंदा या बंदी जो भी है, ये बेचारा कंफ्यूज है और भगवान से ये अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उनसे मदद मांग रहा है। अभी देख लेते हैं एरीज, आप खुद क्या चाहते हो। एरीज यानी मेष राशि, आप खुद क्या चाहते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आप खुद क्या चाहते हो। एरीज यानी मेष राशि, आप खुद क्या चाहते हो। एवरीथिंग इज फाइन। मेष राशि, टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। आप, मैंने कहा कि आपने अभी अभी, आप दोनों में से कोई एक है जो बहुत बड़ा एक पेनफुल सर्कल को ख़त्म किया है आप लोगों ने। पहले तो आप सोच रहे थे कि इससे हम कैसे निकले, कैसे बाहर निकले, ये क्या परिस्थिति आ गया है, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों ने उस परिस्थिति से बाहर निकलना सही समझा और निकल भी गए। इसीलिए एवरीथिंग इज़ फाइन है, जो हुआ अच्छा हुआ, जैसे हम बोलते हैं जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो गया सो हो गया। क्योंकि टेन ऑफ सोर्ड्स कोई मामूली बात नहीं है, कोई मतलब ऐसे वैसे कोई परेशानी नहीं है, बहुत बड़ा परेशानी, धोखा, बिट्रेट। अभी भी एरीज, आप भी चाहते हो परिवार। टेन ऑफ पेंटिकल्स, स्टार के कार्ड, किंग ऑफ कप्स। आप भी, जो भी हो गया भाई हो गया, जो पेनफुल सर्कल चल रहा था वो ख़त्म हो गया, फिनेंशियल जो लॉस होना था हो गया, रिश्ते में जो परेशानी थी वो हो गया। फिलहाल के लिए टेन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार का कार्ड, किंग ऑफ कप्स का कार्ड। आप भी रिश्ते चाहते हो, मेहनत से पैसा कमाना चाहते हो, परिवार चाहते हो, रिश्ता चाहते हो, बच्चे चाहते हो। जो परेशानी आप लोगों ने झेली होगी, जो भी गलती आपने किया होगा, आप उस गलती से सीख लेके खुद को हील करना चाहते हो। आप चाहते हो खुद को एक डीप हीलिंग देना, कुछ देर के लिए अकेला रहना। किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, आप खुद को, खुद का जो इमोशन है उसको कंट्रोल करना चाहते हो, अकेले में पश्चाताप जिसे बोलते हैं वो करना चाहते हो। हो सकता है आप ये चाहते हो कहीं दूर जाके कुछ दिन अकेले बिता के आए, या फिर कुछ वक्त अकेला रहे, बात ना करे, अपनी गलती से सीखे, परेशानी को समझने की कोशिश करे कि हमसे क्या गलती हुआ था जिससे इस रिश्ते का ये परिणाम हुआ। लेकिन जो भी हुआ वो हो गया, अभी फिर से मेहनत करके परिवार के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा आप चाहते हो। और कुछ वक्त चुप रह के, अकेला रह के, खुद के साथ रह के आप अपनी गलती को टटोलना चाहते हो और बाद में आप चाहते हो कि फिर से परिवार के साथ आपका जो रिश्ता है वो सही हो जाए। देख लेते हैं 12 से 18 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। ये क्या हो गया, अच्छा है। फोर ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, ये रिवर्स में आया है। मतलब जो है आपके पास, अगर ये सही में आता तो मैं यही कहती कि आप रिश्ते को इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि ये रिवर्स में आया है, मैं रिवर्स में ही पढ़ूंगी। आप अभी जो आपके पास है आप उसी को देखना चाहते हो, गो विद द फ्लो होना चाहते हो, आप और कुछ बेटर ऑप्शन की तरफ नहीं जाना चाहते हो। हो गया आपका जो सोच था कि मुझे बेटर कुछ मिल सकता है, बेटर ऑप्शन, बेटर ये वो, तो आपको अभी जो है भाई उसी को चाहिए, जो आपके पास पहले था वही अच्छा है, ये समझ आपको आ गया है, अभी आपको वही चाहिए। अभी देख लेते हैं फोर ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं एरीज, फोर ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं एरीज के लिए। फोर ऑफ कप्स को अगर हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे कि फोर ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं एरीज के लिए।
ये सब शॉर्ट्स दिखाई दे रहा है क्योंकि फोर ऑफ कप्स के कार्ड्स तो रिवर्स में आया है, टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स जो हो गया बॉटम ऑफ द डेक में, टेन का कार्ड है, टेन ऑफ कप्स का कार्ड, दिस इज टेन इज कंप्लीशन, जो सर्कल पेनफुल सर्कल जो था वो खत्म हो गया है, जिससे का आउटकम बहुत ही अच्छा है। एस ऑफ सोर्स, टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, इस रिश्ते में अगर पैसों को लेके परेशानी था तो आप लोग इसको उस परेशानी को समझ पाओगे, पैसों की अहमियत को समझोगे, एक दूसरे को प्यार देने की कोशिश करोगे, जो पुरानी गिले शिकवे थे, परेशानी था, वो सारा चीज़ ख़त्म करना चाहोगे, आपकी सोच में क्लैरिटी आएगी, रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, प्यार में एक नयापन आएगा, परिवार के बारे में सोचोगे, जो पहले से शादीशुदा है उनके लिए तो परिवार कितना अहमियत रखता है ये हम सबको पता है, परिवार हमारे लिए कितना अहमियत रखता है, और जो पहले से शादीशुदा नहीं है वो अपने लिए परिवार के बात सोचेंगे, मतलब परिवार बनाना, पैसे रखना, सेविंग्स करना, प्यार बढ़ेगा आप लोगों में, और जो जैसा आप लोग एक दूसरे को पहले जानते थे, मतलब पहले था रिश्ता, उस तरह के रिश्ता बन जाएगा, बनने की चांसेस है, और एक कंप्लीट परिवार वाली फीलिंग्स आप लोगों में होगी, प्यार का अनुभव भी होगा, प्यार अगर डे बाई डे कम हो गया था, मूव ऑन की एनर्जी थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो इन दिनों ये सारी चीज़ें ख़त्म होने की चांसेस भी है, और आप दोनों की समझदारी में बहुत फर्क आएगा कि जो पैसों को लेकर परेशानी थी उस पैसे को संभाल के सहज के खर्च करना, यूज़ करना, पैसों को बचाना, पुरानी बातों को रिलीज कर देना, अपने दिमाग से भूल जाना, और हर चीज़ की क्लैरिटी जो पहले आप लोगों में नहीं था वो इन दिनों आप लोगों में आ जाएगा, चीज़ों को समझने की क्लैरिटी आप में आ जाएगी। अभी देख लेते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो एरीज, वो कौन से राशि के होने के चांसेस है, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, देखो एरीज लियो सजिटेरियस आप लोग फायर साइन हो, वैसे मेष राशि का कार्ड आया है, मेष राशि हो सकता है, एक्यूरियस का भी कार्ड आया है, एक्यूरियस हो सकता है, वैसे जेमिनाई भी हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, क्योंकि 12 के 12 राशि हो सकते हैं, जब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, मेजर अर्कना के 2-4-5 कार्ड आ गए हैं, तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मैंने देखा कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, कोई भी राशि के हो सकता है, एरीज हो सकते हैं, एरीज के रीडिंग में एरीज का ही कार्ड है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं, प्लीज यूनिवर्स देख लेते हैं, यूनिवर्स जी बहुत अच्छा आउटकम आया है, जो परेशानी था वो ख़त्म होने की तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, अभी ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हो। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी का गाइडेंस, कुछ लोग हैं गाइडेंस नहीं देखते हैं, गलत करते हो आप लोग, देखो यूनिवर्स जी भी कितना अच्छा गाइडेंस दे रहा है, नाइन ऑफ सोर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द फूल का कार्ड, आप खुद ही देखो यूनिवर्स जी यही कह रहा है कि रोने धोने से, परेशान होने से क्या फ़ायदा, क्यों रो रहे हो, इतनी रोने जैसी क्या बात है कि आप रो रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, रात को नींद खराब कर रहे हो, क्यों भाई, क्यों, क्या हुआ, आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी आ रहा है, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, जितना आप चाहते हो कि मेरे पास इतना दौलत आ जाए, ये सब कुछ सही हो जाए, किसी के भी लाइफ में सब कुछ सही नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, तो यूनिवर्स जी भी आपसे यही कह रहा है, ऐसा क्या हो गया जिससे आप दुखी हो, परेशान हो, कि रात को सो नहीं पा रहे हो, परेशान रहते हो, खाना नहीं खाते हो, कुछ नहीं हुआ है, जो हुआ है सब सही हो जाएगा, जीरो से शुरू कीजिए, भूल जाइए पुरानी चीज़ों को, जो चीज़ जो बातें आपको दर्द देता है, तकलीफ़ देता है, उस बात को याद रखने से क्या फ़ायदा, उसको भूल जाइए और धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ बढ़िए, अगर फिनेंशियल प्रॉब्लम था
तो धीरे धीरे वो फिनेंशियल प्रॉब्लम सही होने जा रहा है और आप लोगों की लाइफ जो है वो जीरो से शुरू होगी, एक नई शुरुआत होगा लाइफ में। और आप लोगों को अच्छे वक्त के बारे में सोचना चाहिए, अच्छे वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, बुरी चीज़ों को भूल जाना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।